नमस्ते भाइयों, मैं हूँ स्मित चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मित ऑटो में। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी इस तरफ है दिन और उसके बिल्कुल सामने रात हो गई है। भाई बहुत गहरे बादल आ चुके हैं, लगता है आगे बहुत सारा तूफान आने वाला है। खैर भाई, आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार हमने बेसिक नॉलेज दे दी थी आपको कि बाइक को जो ये सभी बेसिक नॉलेज होती है वो सभी मैंने आपको दे दी थी। जिन भाइयों को वो पता नहीं है तो वो पार्ट वन यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप दे सकते हैं। अब आज हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे, थोड़ी सी और आगे की बात करेंगे और धीरे धीरे करके करके पार्ट वाइज हम इसको प्रो लेवल तक की ड्राइविंग आपको सिखाने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। भाई वीडियो शुरू करने से पहले कई भाइयों का कहना था कि भाई ड्रैग रेस लेके आओ, तो भाई ड्रैग रेस का हम लोकेशन ढूंढ ही रहे हैं अभी आपके लिए। जब भी हमको कोई खाली सी सड़क मिल जाए जो सीधी हो और जो हमारे ड्रैग रेस के अनुकूल हो, तो जब भी मिल जाएगी तभी ड्रैग रेसेस आ जाएंगे। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो थोड़े टाइम में आपको ड्रैग रेसेस आपको चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो भाई थोड़े टाइम के लिए सब्र कर लो। भाई आपको बेसिक नॉलेज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको बाइक स्टार्ट करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टार्ट करना सब कुछ सिखाया था, तो आपको सिंपली स्टार्ट कर देनी है। और आपको जब नए नए ड्राइवर हो तो आपको प्रो नहीं बन जाना है, आपको क्या सिंपली फर्स्ट गियर लगाना है। यहाँ से लेफ्ट साइड में आपका गियर्स होते हैं, यहाँ से क्लच दबा के आपको फर्स्ट गियर में डाल देनी है। पूरा का पूरा क्लच दबा होना चाहिए इस प्रकार से, और आपको फर्स्ट गियर में डाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़नी है और यहाँ से धीरे धीरे आपको रेस्ट लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से जो एक्सीलेटर आपको मिल जाता है, तो इसको ज़्यादा ऐसे घुमा नहीं देना है। आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा सा रेस देना है, उसके सामने थोड़ी थोड़ी सी आपको क्लच छोड़ के रहना है। मैं आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। आपको इस प्रकार से देखो, इस प्रकार का क्लच है, तो थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ते रहना है। और जब भी आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। जब भी आप पहली बार चला रहे हो तो आपको थोड़ी थोड़ी सी रेस लेनी है। आप इस प्रकार से देख सकते हो आगे, इस प्रकार खुले मैदान में आ जाइए पहले। तो भाई बिल्कुल भी पहले से ही रोड पे चलाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस प्रकार से रोड पे चलाना है। थोड़ी थोड़ी बाइक पिकअप लेने लगे, उसके बाद क्या करना है, आपको क्लच दबानी है, रेस छोड़ देना है, क्लच करनी, और आपको सेकंड गियर नीचे से दे देना है। यहाँ से आपको सेकंड गियर दे देना है। सेकंड गियर देने के बाद फिर से आपको क्लच छोड़ देनी है और रेस दे के चलाने लगना है। तो इस प्रकार से आप सिंपली बाइक चलाना सीख सकते हैं। इस तरह से सिंपली आपको क्या करना है कि धीरे धीरे इस प्रकार से खाली से मैदान हो जो भी, उसमें आपको ये धीरे धीरे सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। आपको इस मैदान में आपको 2 या 3 गियर तक ही सीखना है। प्रो लेवल की आपको ड्राइविंग आगे सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको बिगनर्स जो है, जो नए ड्राइवर है, जो बाइक को ज़्यादातर जानते नहीं, उनके लिए था। जो भाई जानते हैं उनको तो भाई सब कुछ पता ही होता है। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी देर तक यहाँ पे उछला था, अंधेरा हो चुका है और बहुत तेज से पवन भी चल रहा है और बारिश भी स्टार्ट होने लगी है। तो भाई ये थी बिगनर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका पार्ट 3 नेक्स्ट आने वाला है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।